सब्सक्राइब कीजिए। हजरत, हमारे यहाँ इस्लामी जो भाई होते हैं यानी लोग जो होते हैं, यहाँ पर अलग अलग बिरादरी होती है, यानी मिसाल के तौर पर अरब होते हैं, फिर घाँची होते हैं, सिपाही होते हैं, सादात किराम होते हैं। एक खातून ने पूछा है कि मैं इसी तरह एक सिपाही बिरादरी से हूँ और मैंने सैयद से कादरी घराने वाले में एक शख्स के साथ मैंने निकाह किया है, तो क्या ये निकाह है या नहीं, तो उस पर आप कुछ बात रोशनी डालें। ये आपकी सादत की बात है कि आप सिपाही घराने की खातून हैं और अल्लाह ने आपको सैयद के घर की रिश्तेदारी नसीब फरमाई। देखिए, अगर औरत गैर सैयद है और शौहर सैयद है और निकाह दोनों की रजामंदी से हो तो बिल्कुल निकाह हो जाएगा। जैसे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम सादात हैं, बल्कि असलुस सादात है, सैयदों के बाप है, लेकिन आपका जो निकाह हुआ हज़रत शहरबानों के साथ, तो शहरबानों जो है ये सादात घराने की औरत न थी। जब इनका निकाह हुआ तो ये सादात घराने की औरत न थी, बल्कि ये ईरान के बादशाह की बेटी थी और ये उस जंग में जो है वो कैदी बनाकर लाई गई थी। तो हज़रत फारूक आज़म ने मौला अली की बारगाह में पेश किया और मौलाए कायनात ने उन्हें आज़ाद किया और आज़ाद करके इमाम हुसैन के साथ उनका निकाह किया। तो हज़रत शहरबानो एक ईरान के आतिश परस्त बादशाह के ख़ानदान की औरत थी, लेकिन जब वह इमाम हुसैन की बीवी बन गई तो फिर वह इमामों की और सैयदों की माँ बन गई। तो ये उनकी सआदत की बात है। तो वह निकाह तो मुनक्किद हुआ और बिल्कुल हुआ, तो बिल्कुल आपका निकाह हुआ और आप सआदतमंद हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे हसब और नसब क़यामत के दिन मुनक़ता हो जाएंगे, लेकिन जो मेरा नसब है वो क़यामत के दिन बाकी रहेगा। तो ऐसी लड़कियां कि जो गैर सैयद है लेकिन किसी सैयद के निकाह में आ गई है, तो निकाह में आने के बाद तो वो सैयद नहीं होगी, अलबत्ता रसूलुल्लाह से उसका रिश्ता वही तौर पे जुड़ जाएगा कि वो हुजूर के ख़ानदान की बहू बन जाएगी और हुजूर के नसब की बरकतें उसको भी क़यामत के दिन मिलेगी इंशाल्लाह। और अगर कोई शख्स उस घराने का दामाद बन गया, सैयद नहीं है, तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम के घराने का दामाद होगा और उसकी निस्बतें क़यामत के दिन उसको नसीब होगी। जैसा कि खुद सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला ने मौलाए कायनात से कहा कि आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दें, तो हज़रत मौला अली ने कहा कि मेरी बेटी छोटी उम्र की है और आपकी उम्र ज़्यादा है। तो हज़रत उमर फारूक ने कहा कि मैं किसी नफसानी ख्वाहिश के लिए आपकी बेटी का हाथ नहीं मांगता, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आपकी बेटी से मेरा निकाह होगा तो मैं आपका दामाद बन जाऊँगा, इस तरह हुजूर के ख़ानदान का दामाद बनने का शरफ मिल जाएगा। तो क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि सबके नसब रिश्तेदारी ख़त्म होगी लेकिन मेरी रिश्तेदारी बाकी रहेगी, तो मैं अली से रिश्ता जोड़कर नबी के ख़ानदान का दामाद बनना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद मौला अली ने हज़रत उम्मे कुलसूम जो इमाम हुसैन की सगी बहन थी, उनका निकाह हज़रत फारूक आज़म के साथ किया। तो ये बरकत की चीज़ है, किस्मत की बात है ये कि कोई गैर सादात में पैदा हो फिर भी उसको रसूलुल्लाह का ख़ानदान में बहू बनने या दामाद बनने का शरफ मिले। ये बरकत की बात है, ये नसीब की बात है, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमेंट शेयर जरूर करिए।